शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मैलसी में साबिक लीगी हुकूमत में शुरू किया गया रेस्क्यू सेंटर का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, इसकी क्या वजह है? मजीद जानते हैं हम मोहम्मद मेहर यामीन से। मेहर मोहम्मद यामीन, बताइएगा क्या वजह रही है कि मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका? जी बिल्कुल, इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से मेलसी में रेस्क्यू सेंटर अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मेलसी की आबादी तकरीबन इस वक्त 12 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और मेलसी के शहरी इस बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। साबका मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 1,49,00,000 की लागत से इस मनसूबे को शुरू किया गया जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी हादसे या एमरजेंसी की सूरत में बिहाड़ी या टिपर सुल्तानपुर से 40 किलोमीटर का फासला तय करके रेस्क्यू टीमें वकूफे पर पहुंचती हैं और बर वक्त इमदाद न मिलने की वजह से बहुत सी जानें भी जाया हो जाती हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जिस पर शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोट्स लेने का मुतालबा किया है ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू सेंटर को मुकम्मल किया जाए जिससे शहरियों को जल्द तिबी इमदाद फराहम की जा सके। जी मैं मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर चीचा वतनी में तरक्याती फंड